तो जय माता दी दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। और कल हमने आपको हमारे अयोध्या में जितने भी पंडाल थे वो हमने घुमाया था। पूरा तो नहीं घुमा पाए, लेकिन जो जो मेन मेन था वो हमने घुमा दिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जो बताएगा, और अच्छा लगा तो जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग सुबह तैयार हो गए हैं, क्योंकि कल रात में 12 बजे के बाद मूर्ति सारी अपने स्थान से पंडाल से उठ के चले गए थे। GGIC स्कूल का एक मैदान है, ग्राउंड है, वहां पर सारी मूर्तियां अयोध्या की इकट्ठा हो जाती हैं। उसके बाद वहां से निकलती हैं गुप्तार घाट के लिए, जहां विसर्जन होता है। तो आज हम आप सबको विसर्जन दिखाएंगे, विसर्जन होता कैसे और इसकी जो यात्रा निकलती है वो यात्रा कैसे निकलती है। तो चलिए आपको चलते हैं और हम दिखाएंगे, क्योंकि हम चलेंगे चौक, चौक से होते हुए मूर्तियां सारी निकलती हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहां पर यात्रा कैसे जाती है। ये देखिए, सब लोग तैयार होकर बाहर खड़े हो गए और हम भी है, चलो। Thank you.
Yeah.
Thank you.
Yeah.
चलते हैं घर क्योंकि काफ़ी रात हो गई है और अभी जो है मूर्तियाँ निकल रही है तो टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम अब ज़्यादा नहीं रुक जाता तो अब चलते हैं घर। आवाज़ बहुत आ रही, घर पे चल के फिर मिलते हैं। गाँव महाराज जा रहे हैं, आज भगवान से भेंट होगा। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं रामलीला ग्राउंड पे, जो रामलीला रावण दहन का कार्यक्रम, तो चलो देखते हैं। अपने जन्म आवाहन के लिए राजा अपने सेवा को बुलाकर युद्ध करने के लिए मैदान में जा रहे हैं। आज उसका यज्ञ नीचे आज ही धर्म से अपार आधार की मैं खत्म कर दूंगा। मंदिर रहना आपने कर दो Yeah!
हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों रावण मारा गया और तो फाइनली दोस्तों हम घर आ चुके हैं और आपने वीडियो में देखा होगा कि विसर्जन की यात्रा जो थी इतना भव्य था, इतना सुंदर था दोस्तों कि आप सबको हो सकता है कैमरे में इतना साफ ना दिखा, लेकिन जब आंखों से देखे ना तो एकदम नंबर एक। और मैंने तो पहली बार यहाँ की शोभा यात्रा देखी है, बहुत ही अच्छी लग रही थी दोस्तों। इतना डीजे था, इतना आवाज़ था कि समझ नहीं आता, मतलब हाथ पैरों का प्रतिबिंब को थाटा था, इतना भयंकर डीजे हो रहा था और आवाज़ तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रही थी। तो मैनेज कीजिएगा। तो वीडियो अगर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, आपको जहाँ घुमाए चलेंगे वहाँ घुमाएंगे, और आप हमसे जुड़े रहिए क्योंकि हम ऐसे नई नई जगह जाते रहते घुमाते रहते हैं। तो और दोस्तों अगली बार आप लोग जरूर आइए अयोध्या, अयोध्या की शोभा यात्रा देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है। हमें तो पहली बार आया था देखने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग जरूर आइए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय माता दी।